दोस्तों आज मेरे मन में एक सवाल आया कि यहाँ पर जो मैंने गलती करी है वो कहीं आप गलती तो नहीं करते ना, जिसकी वजह से आपके कानों को नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ईयरफोन्स की। आज मुझे यहाँ पर मेरे रिलेटिव्स में किसी ने पूछा कि यार कौन सा ईयरफोन सही है, कौन सा ईयरफोन लेना चाहिए हमें अगर यहाँ पर लेना है तो। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली सड़क छाप ईयरफोन होते हैं जो 100 रुपये 50 रुपये इसके रेंज में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें यहाँ पर आपको इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि यार हाई वॉल्यूम पे करना पड़ता है, कभी कान में फिट नहीं होते, ये होता है कान डैमेज हो सकता है हमारा। तो क्या क्या यहाँ पर आपको नुकसान झेलने पड़ सकते हैं और आपको यहाँ पर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। थोड़ा सा छोटी सी वीडियो है, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पर जो चीप ईयरफोन्स खरीदते हैं, सबसे सस्ते वाले 100 रुपये 150 रुपये, यहाँ पर जो सड़क छाप ईयरफोन होते हैं हम कहीं से भी बिना ब्रांड के उठा लेते हैं। बस ये चाहिए कि बस कान में लगाना है, बस गाना सुनना है, बस चलिए ये चलना है, बाकी कुछ नहीं करना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यार, एक तरह से सोचो आप एक बार खरीद लोगे, आप बहुत से सोचते हैं यहाँ पर एक बार खरीद लिया खराब होने के बाद दोबारा खरीद लेता हूँ मैं वापस वही का वही। तो यार आप बार बार खरीद परचेस करते हो, जो सेल करते हो या फिर ख़राब हो जाता है, जो भी हो जाता है आपके ईयरफोन के साथ, लेकिन आप एक बार सोचो तो सही ध्यान से बैठ के कि यार जो मैं ईयरफोन ले रहा हूँ वो मेरे कहीं कानों को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। बेसिकली क्या होता है कि उनकी ना तो साउंड क्वालिटी गुड होती है, यहाँ पर कान में भी ढंग से फिट नहीं पाते बैठ पाते, तो हम उसे जैसे वैसे लगा लेते हैं। प्लास्टिक उनकी बेड क्वालिटी की होती है और यहाँ पर कान में जैसे कैसे लगाते हैं और यहाँ पर हम कान में जैसे कैसे लगा लेते हैं और कान में यहाँ पर जैसे कैसे भी लगाने की वजह से यहाँ पर साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है और यहाँ पर WHO ने माना है, यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर जो 80% से ज़्यादा वॉल्यूम पर अगर आप कुछ चीज़ सुनते हैं तो आपको कानों को डैमेज भी हो सकता है और यहाँ पर जो बेड क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ होती है ना उसकी वजह से यहाँ पर आपको कुछ इश्यूज भी देखने मिल सकते हैं अपने कान में। तो यार मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि आप मतलब अच्छे वाले ईयरफोन्स ही लें। अच्छे वाले ईयरफोन्स में आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, बेसिकली आप यहाँ पर ब्रांडेड लें जो आपको लगता है कि यार ये कंपनी काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, आपको कान में अच्छे से फिट हो रहे हैं। मेन तो चीज़ ये है कि अच्छे कानों में फिट हो रहे हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, मेन चीज़ आपको कानों को दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। और उसके बाद है आपको साउंड क्वालिटी चेक करनी है। साउंड क्वालिटी ये है कि आपको 70% वॉल्यूम रख रहे हैं या 60% वॉल्यूम रख रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर क्लियर साउंड आ रहा है, बेस साउंड आ रहा है, अच्छा ट्रेवल सुनाई दे रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की सुनाई दे रही है। तो इसी वजह से दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर चाहे तो 100 रुपये का मत लीजिए, आप वो 100 रुपये को मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 से 500 रुपये तक आप यहाँ पर चले जाइए। अगर आपका बजट है तो 300 तक भी आप जा सकते हो, लेकिन आपको बस मेन चीज़ है ब्रांडेड लेने, अच्छी क्वालिटी की ईयरफोन लेने, नॉट क्वांटिटी लेनी। आप यहाँ पर एक तरह से एक ले लोगे दो ले लोगे भंडार कर लो ना यार, वैसे तो आप यहाँ पर 10 ईयरफोन है, लेकिन आप उन 10 से मिलाकर जो एक क्वालिटी का ईयरफोन आएगा ना वो आपको यहाँ पर शरीर को भी सुरक्षित रखेगा, आपके कानों को भी सुरक्षित रखेगा, आपके कानों को कोई डैमेज नहीं पहुँचाएगा। तो यार इसी वजह से मेरे मन में यहाँ पर सवाल आया कि यार बहुत से मैंने भी यहाँ पर गलती करी है, क्योंकि मैंने एक बार ले लिया था सड़क छाप ईयरफोन और मेरे कानों को बहुत दिक्कत होती थी, तभी से मैंने यहाँ पर प्रण ले लिया था, मतलब कि नहीं लेना चाहे 100 रुपये ज़्यादा लग जाए, लेकिन यार चीज़ अच्छी लें क्वालिटी के लिए। तो दोस्तों आशा रखता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल हुआ होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी आपको इस वीडियो से। अगर आपके लिए ये वीडियो काम का हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर काम नहीं लगा अच्छी नहीं लगी वीडियो तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इसी वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई अन्य टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।